हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे जो TDA 2030 IC का बोर्ड होता है, एम्पलीफायर बोर्ड होता है, उसकी टोटल वायरिंग के बारे में और ब्लूटूथ कनेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास में ये एक बोर्ड है और ये इसकी मेन सप्लाई है ट्रांसफॉर्म वाली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 तार लगेंगे और ये इसमें 4 डायोड हैं और ये 2 कैपेसिटर है। तो जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला है, यानी जो इसमें जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो 18018 लगेगा। तो ये यहाँ पे बास के हैं और ये यहाँ पे 2 ये सभी इसके जो है ट्रबल लगे हैं, यानी बास ट्रबल और एक जो मेन वॉल्यूम के कनेक्शन है। तो इनकी टोटल वायरिंग हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारे पास में देखिए, ये बास वाला बोर्ड है। देखिए 3 इसमें, ये एक बास का, एक ट्रबल का और एक जो मेन वॉल्यूम का इसमें लगे हुए हैं। और ये जो है 7805, इसमें हमने ICB लगा रखी है जो कि ब्लूटूथ के लिए है। तो 3 ये इसमें जो वॉल्यूम लगे हुए हैं। तो ये इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए कनेक्शन एकदम सिंपल है। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर जो मेन वॉल्यूम है उसके कनेक्शन कर लेने हैं। तो ये मेन वॉल्यूम के जो मेन स्पीकर होता है उसके ये यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तीनों सीधे सीधे कनेक्शन है। तो मेन स्पीकर के ये कनेक्शन हो गया। अब ये मेन स्पीकर है जो आपका, तो इसके कनेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। जो 2 पिन वाला कनेक्टर दे रखा है यहाँ पे, इसके कनेक्शन हो जाएंगे। तो ये इसके कनेक्शन हो गए दोस्तों। अब जो एक IC है आपकी, तो ये IC इसको जो मेन बोले में, यानी जो मेन बास है उसके लिए ये हमने यूज की है। ये IC जो 4 नंबर पिन से इसकी आउटपुट आएगी। तो ये यहाँ से 4 नंबर 2 रख लेंगे हैं। जो बास यानी जो धमक वाला स्पीकर होता है बड़े वाला, ये उसके लिए यूज किया है यहाँ पे। तो इसी कनेक्शन हो गए कंप्लीट। अब बची 2 IC देखिए। अब ये दोनों IC, ये देखिए, ये दोनों IC के लिए ये 2 कनेक्टर हैं, बास ट्रबल ही है। तो इसके लिए 2 वॉल्यूम ये यूज किए हमने। तो देखिए इसके भी कनेक्शन, खाली कनेक्शन इसमें कनेक्टर फंसाने हैं। देखिए हमने कनेक्शन उसमें ऑलरेडी कर रखे हैं, एकदम सिंपल सिंपल सीधे सीधे कनेक्शन है। तो देखिए एक स्पीकर के लिए ये और दूसरे स्पीकर के लिए, देखिए ये दूसरे स्पीकर के लिए हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है 2 स्पीकर लिए हमने ये, तो दोनों स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पे जो 3 कनेक्टर वाला लगा है, एक इसमें कॉमन रहेगा, यानी एक जो ग्राउंड रहेगा और जो IC की 4 नंबर पिन से आ रहे हैं, यानी दोनों जो IC हैं उनकी 4 नंबर पिन ही यूज होंगी स्पीकर के लिए, एक कॉमन हो जाएगा। तो एक 4 नंबर का साइड पर लगा देंगे और यानी एक पहली पे और एक लास्ट वाली पे, और बीच वाला कॉमन यानी ग्राउंड हो जाएगा। तो एक हमने कॉमन कर दिया, स्पीकर की जो 2 वायर है उनको हमने कॉमन कर दिया बीच में। अब ये पहली और लास्ट वाली स्पीकर की हमने सप्लाई लगा दी। तो ये भी कनेक्शन हो गया दोस्तों। तो एक और ये 2, दोनों स्पीकर के कनेक्शन हो गए हैं। तो देखिए इसके भी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब ये 2 वॉल्यूम इसके लिए काम करेगा। अब ये देखिए ये जो 7805 जो IC है ये ब्लूटूथ बोर्ड के लिए है। अब इसके भी कनेक्शन, 12 वोल्ट इसको इनपुट दिया, ये 5 वोल्ट हमें आउटपुट देगी। तो इसके कनेक्शन देखिए, ये या तो यहाँ पे लगा लीजिए या कैपेसिटर के प्लस माइनस से उठा लीजिए। देखिए ये प्लस है और ये यहाँ पे माइनस, यहाँ से उठा लीजिए, एक ग्राउंड बीच में लगा दीजिए IC के और एक फर्स्ट पिन पे लगा दीजिए। अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाली सप्लाई हमने दे दी 3 तार। देखिए जो ये ब्लैक वाला है वो ट्रांसफार्मर की 0 वोल्ट से आएगा, यानी बीच वाली पिन से आएगा, और जो 2 वायर है वो पहली और लास्ट वाली पिन से आएगा। तो ये कनेक्शन यहाँ हो जाएंगे इसके, यानी आपको जो 18018 का जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे आप, यानी बीच वाला जो इसका जो ब्लैक है वो बीच में लग जाएगा, बाकी पहला और लास्ट वाला आप इसमें लगा देंगे जैसे वायर इसके हो रखे हैं। तो देखिए हम इसकी सप्लाई आपको चेक करके दिखाएंगे।
देखिए ये यानी 36 यानी 33 वोल्ट के आसपास है और ये इसका हाफ हो जाएगा 16 वोल्ट। तो देखिए तो तीनों वायर इसकी यूज करनी है हमें, 18018 ट्रांसफार्मर यूज करना है, 1.5 एम्पियर। अब इसको हम यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं, तो ये हमने टेपिंग कर दिया, तीनों वायर हमने इसकी टेपिंग कर दी है। ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है वो भी हमने कनेक्ट कर दी है। अब देखिए हम आपको जो 5 वोल्ट हमारा जो ब्लूटूथ बोर्ड है उसके लिए आएगा वो हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ 5 वोल्ट आ गया है ब्लूटूथ के लिए। अब ब्लूटूथ का जो बोर्ड है उसके कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे हम। ये देखिए ये बस टेबल का है यहाँ पे, तो इसी से हमें इसके कनेक्शन उठाने हैं। तो ये देखिए ब्लूटूथ बोर्ड है, तो जो दो सिंगल वायर दिख रही है आपको, देखिए इसकी पहली पॉजिटिव और जो दूसरी वो निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट, तो सीधे सीधे ऐसे कनेक्शन करने हैं। और ये देखें यहाँ पे 4 वायर दिखाई दे रही है आपको, एक जो एंटीना की है एफएम के और बाकी बीच वाली ग्राउंड हो और एक फर्स्ट और तीसरी वाली आपको वॉल्यूम की इनपुट पे लगा देना है। तो यहाँ पे हम इसके सप्लाई के कनेक्शन कर देते हैं। देखिए तो ये 5 वोल्ट हम इस साइज से उठा लेंगे और एक ग्राउंड यानी माइनस पे लगा देंगे, तो ये कनेक्शन भी हो गए इसके। अब ये जो 4 वाली वायर कनेक्टर है उसके भी कनेक्शन हो गए। देखिए सिंपल है कनेक्शन एकदम, वॉल्यूम की बीच वाली पिन पे लगा दीजिए और एक ग्राउंड कर दीजिए। देखिए ये कनेक्शन हो गए इसके। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, देखिए ये यहाँ पे सप्लाई दे दी हमने और यहाँ पे ये इनपुट दे दी इसको, यानी जो ब्लूटूथ बोर्ड से आएगी वो यहाँ दे दिया। तो हमने इसको सप्लाई दे दी, बोर्ड चालू हो गया। अब देखिए हम आपको बजा के दिखाएंगे इसको, तो ब्लूटूथ ऑन किया हमने, तो ब्लूटूथ ऑन कर दिया। अब सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाएंगे हम। तो ये आपका सॉन्ग प्ले हो गया। करिए